You know, this is very new course for you. 2017, it's being started. Why it's so important for you? Human values and ethics. Topmost important point is why we are talking about this course for all students, whether these students are linked with as per their educational qualification required or not required. Still, this is very, very important course for all of you. इसकी एक हिस्ट्री है. जैसे अगर आप फिलोसफी स्टूडेंट होते तो हम समझते कि इट्स पार्ट ऑफ योर कोर्स और ये होना भी चाहिए और आपको आना भी चाहिए. अगर आप ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस पढ़ रहे होते तब भी, या मैनेजमेंट स्टडीज, तो हम कहते कि हाँ, आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ह्यूमन नेचर को समझना है, उससे रिलेटेड रिसर्च करना है, उससे रिलेटेड प्रिडिक्शंस करना है थ्रू रिसर्चेस, तो आपके लिए जरूरी है. पर ये इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन, एज प्रोफेसर बलराज सिंह टोल्ड यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स इवन एट आईआईटी दिल्ली एंड इन ऑलमोस्ट ऑल आईआईटीज दिस कोर्स इज देयर. और 2000 ऑनवर्ड्स बहुत सारी प्रोग्रेस हुई इस डायरेक्शन में, एंड रियलाइज किया कि इवन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स एंड लेटर ऑन 2017-18 एज वन ऑफ द एक्सपर्ट्स टोल्ड यू, ये स्टार्ट हुआ है एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स. क्या है इसका रोल, क्यों चाहिए ये कोर्स, क्यों? क्योंकि अगर आप एकेडमिक नॉलेज के अकॉर्डिंग देखते हैं तो शायद ये आपको कहीं भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिग्री लेंगे, उसमें आपके पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको स्टडी करना है, आपको देखना है कि कौन सी क्रॉप्स अच्छा अच्छा जा रही हैं, कौन सी क्या इस तरह की रिसर्च होना चाहिए कि आप इससे बेटर यील्ड ले पाए, बेटर आप सीड्स और ये सब डायरेक्शन वाले रिजल्ट्स. तो ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स क्यों? इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूंगी. आप समझिए कि एक एक केस स्टडी है. एक बार एक नाव में नाविक के साथ तीन लोग नाव में सवार थे, और वो तीनों ही रिसर्चर्स, कहिए आप अपने अपने फील्ड्स के एक्सपर्ट्स. आप मान सकते हैं एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक एग्रीकल्चरल स्टडीज के एक्सपर्ट थे. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो एक्सपर्ट थे, उस एरिया के रिसर्च कर रहे थे, टीचिंग कर रहे थे, काफ़ी नॉलेज थी, तो फिजिक्स के जो प्रोफेसर थे, आप समझिए या स्कॉलर थे, उन्होंने बात करना शुरू किया बोट में, और वो अपनी रिसर्च और क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है, किस तरह से ये एरिया डेवलप हो रहा है, वो सब बात करते गए. और बीच में उन्होंने नाविक से पूछा कि क्या आप जानते हैं फिजिक्स क्या है और ये मैं क्या बातें कर रहा हूँ. तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता कि ये क्या है और आप क्या बातें कर रहे हैं. और नाविक ने कहा, इस फिजिक्स एक्सपर्ट ने कहा कि फिर तो आपकी ज़िंदगी बेकार है. थोड़े आगे चले, केमिस्ट्री वाले ने अपना कंट्रीब्यूशन डिस्कस करना शुरू किया, कैसे वो स्कॉलर हैं, कैसे उनकी बेस्ट टीचिंग है, कैसे उनकी बेस्ट रिसर्च है, उनकी रिसर्च ने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया केमिस्ट्री वर्ल्ड को. और फिर उन्होंने नाविक से इसी तरह से बातें करते हुए उनकी तरफ से पूछा कि आपको क्या इसका कुछ ज्ञान है. तो उन्होंने फिर से बोला कि नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम. ठीक ऐसे ही एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट अपनी बेस्ट रिसर्च, अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन, कैसे उन्होंने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करी, कैसे यील्ड्स बेटर आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें. और फिर वैसे ही उसी डिस्कशन में, और उसी टाइम समुद्र में कुछ लहरें बढ़ी, और जो ये तीनों एक्सपर्ट्स ने ये रियलाइज कराया था नाविक को कि आप क्या आपको क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं आता या फिजिक्स नहीं आता या केमिस्ट्री नहीं आता तो आपकी लाइफ बेकार है. अब इन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपको तैरना आता है, और इन्होंने कहा कि नहीं, हमें तैरना नहीं आता. और तब नाविक ने कहा, अब तो आपकी लाइफ पूरी ही खराब है, पूरी बेकार है, पूरी ही यूजलेस है, क्योंकि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपको तैरने की जरूरत है, आपको तैरना नहीं आएगा. ठीक यही चीज अप्लाई होती है जब हम ह्यूमन वैल्यूज और एथिक्स की बात करते हैं.
चाहे आप कोई भी एरिया रिसर्च कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी स्टडी पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी भी लाइन में एक्सेल कर रहे हैं, उन सब के साथ साथ अगर आपके पास वैल्यूज नहीं है, अगर आपके पास एथिक्स नहीं है, तो आप अपनी लाइन और दूसरों की लाइन दोनों के लिए बहुत मुश्किल लाइफ हो सकती है। हम सोशल एनिमल हैं, ऑल ऑफ अस। हम लोगों को दूसरों के साथ भी डील करना है, उसके साथ साथ हमें अपने साथ भी बहुत डील करना है। हमें पता है कि कैसे हमारी लाइफ में ऑप्टिमिस्ट होना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल क्वोशेंट हमारा अच्छा होना चाहिए, इमोशनल क्वोशेंट हमारा अच्छा होना चाहिए, स्ट्रीट स्मार्टनेस होनी चाहिए। लाइक दैट देर आर वेरियस सोशल स्किल्स, या हम कह सकते हैं नॉन कॉग्निटिव स्किल्स, जो अगर हमारे पास है तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। अदरवाइज हो सकता है कि हमारी जो लर्न्ड एक्टिविटीज हैं, हमारे स्पेशलाइजेशन में, हमारे किसी पर्टिकुलर फील्ड में, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, या एग्रीकल्चरल साइंसेस का हो, वहाँ हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ इंटरवीन करती है। इसलिए नाविक ने जो एक मैसेज दिया कि लाइफ में आपको तैरना भी आना चाहिए, चाहे आप फिजिक्स एक्सपर्ट हैं, चाहे आप केमिस्ट्री एक्सपर्ट हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर के किसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, ठीक उसी तरह से ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स हमें तैरना सिखाते हैं। ये दो तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी लाइफ में। एक कि हम ये समझें कि ये वैल्यूज क्या हैं, ये हम प्रमोट करना सीखें, और एक सोशल मॉडलिंग रहे। जब हम सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स ही लर्न कर रहे हैं, उसके साथ साथ टीचर्स भी लर्न कर रहे हैं कि मेरी क्या वैल्यूज होने चाहिए, मेरे क्या एथिक्स होने चाहिए, मुझे स्टूडेंट्स के साथ कैसे डील हो करना चाहिए, मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे डील करना चाहिए। तो उन सब के लिए, उन सब को समझने के लिए और जानने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है, एंड इट शुड बी कॉमन फॉर ऑल। चाहे आप साइंस कर रहे हैं, चाहे आप आर्ट्स कर रहे हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, या इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट, वट एवर यू आर डूइंग, जब हम उन एरियाज की बात कर रहे हैं, वो एक तरह से एक एकेडमिक लर्निंग है। हम वहाँ पर थ्योरीज लर्न कर रहे हैं, हम वहाँ पर कुछ डेफिनेशंस लर्न कर रहे हैं, यहाँ वो रिक्वायर्ड नहीं है। ये कोर्स इनफैक्ट पढ़ाना ही बहुत अलग ढंग से जाना चाहिए। जैसे प्रोफेसर बलराज सिंह ने जी ने भी बताया कि मैंने काफ़ी टाइम ये NRCV में भी, जब तक ये कोर्स हमारा यहाँ चलता रहा, अब ये कुछ एक्सपर्ट्स के पास है, तो इस कोर्स को हम कंटिन्यूअसली, और वहाँ पर क्या होता था कि अबाउट 40 फैकल्टी मेंबर्स, चाहे वो किसी भी ब्रांच से हैं, जिनका इस लाइन में इंटरेस्ट है, वो उसे पढ़ाते होते थे। ये कोर्स ऐसा नहीं है कि आपको आना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज, व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स, नहीं, आपको इन सब चीज़ों को इंटरनलाइज कैसे करना है, कैसे सीखना है इन सब चीज़ों को, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इतना ये नहीं है कि आपको वैल्यूज की डेफिनेशंस आनी चाहिए या एथिक्स की डेफिनेशंस आनी चाहिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, SQ क्या है, अटैचमेंट डिटैचमेंट क्या है, बट प्रैक्टिसेस। यहाँ एक इंटरेक्टिव सेशंस होने चाहिए। ये जो मोड है वो, क्योंकि टाइम की रिक्वायरमेंट ऐसे थी, इसलिए ये ऐसे जा रहा है, बट इंट्रोडक्टरी पार्ट होने के बाद इससे आपने लर्न क्या किया, वट न्यू थिंग्स यू हैव एडिड इन योर लाइफ, वो इम्पोर्टेंट है, बजाय कि आपने याद किया और एग्जाम में उसे रिकॉल कर दिया, उतना काफ़ी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इवन ओनली इन एजुकेशन सिस्टम, साइमल्टेनियसली इस कोर्स की जो रिक्वायरमेंट है या इम्पोर्टेंस है, वो हर जगह रियलाइज की गई। इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू कुड सी यू नो द कोर्स हैविंग सच काइंड ऑफ मॉड्यूल्स ऑलवेज अप्रिशिएटेड एंड दे आर देयर। जैसे अगर हम इवन सिविल सर्विसेज की बात करें, जो मेरे ख्याल से मोस्ट रेपुटेड यू नो एग्जाम है इंडिया का, उसमें भी एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड एक कोर्स है, एक पेपर है, जनरल स्टडीज 4, जो 2012 ऑनवर्ड्स स्टार्ट हुआ।
यहाँ इन वैल्यूज ह्यूमन वैल्यूज एथिक्स के लिए इवन सेपरेट सेंटर्स भी हैं, जो एग्रीकल्चरल मे बी एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन फ्यूचर, बट जैसे IITs में कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पर इस तरह की स्टडी, जहाँ पर आप एक तरह से लर्न टू बेटर लर्निंग फॉर योर लाइफ, ऐसी इस तरह का कैसे आपकी एक इनर जर्नी बेटर हो सकती है, उस तरह के नंबर ऑफ कोर्सेज बाय सम स्पिरिचुअल लीडर्स मे बी, जो भी जिनकी भी इनर जर्नी है, जिन्होंने इस डायरेक्शन में वर्क किया है. इवन देर आर सम साइंटिस्ट जो अदरवाइज बहुत साइंटिफिक वे से वर्क कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनका जो रोल है वो एक तरह से इनर जर्नी लर्न करना, मेरी अपनी क्या लर्निंग ये होना चाहिए, क्या किस तरह की मेरी सेल्फ डिस्कवरी है. सो रिलेटेड टू सेल्फ बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, अगर आप देखना चाहें और आपका इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक सेंटर है, नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर वैल्यू एजुकेशन इन इंजीनियरिंग, और ये 2001 में इस्टेब्लिश हुआ एंड इट वाज इनिशिएटेड बाय टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर गॉड एंड प्रोफेसर धर, उन लोगों ने ये इनिशिएट किया. और यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आर देयर, कोर्सेज हैं जो इसी तरह से, इसको हम पास फेल में ये हम इसका रिजल्ट देते हैं, लेकिन पास फेल में रिजल्ट देने का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आप इसे पढ़ो कम पढ़ो ज्यादा, पढ़ो कम मतलब उसे याद कम करो, लेकिन एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में बहुत सारे होने चाहिए. आपको सचमुच कुछ ऐसे इंडिकेटर्स मिले कि आप समझें मेरी लाइफ क्या है, मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, मैं अपनी लाइफ होश में जी रहा हूँ या बेहोश होकर जी रहा हूँ. आपने अगर सुना है, ये बहुत लोकल टर्म यूज करी मैंने, लेकिन अभी आज के टाइम में माइंडफुलनेस वर्सेस माइंडलेसनेस, ये टर्म्स बहुत यूज हो रही हैं रिसर्च में, नॉट ओनली साइकोलॉजिस्ट, इवन अदर एरियाज एक्सपर्ट्स टॉकिंग अबाउट दैम, और लिविंग माइंडफुली, ये मेनली कनेक्टेड है विद बुद्धिज्म, बुद्धिज्म प्रैक्टिसेस में, तो बहुत सारी माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस हैं जिनको लर्न करके आप एक अच्छे स्टूडेंट, अच्छे इन ऑल रोल्स यू कुड गेट बेटरमेंट, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ में हो सकती है. तो इसके लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज इस सेंटर की तरफ से हुए हैं ऑन हैप्पीनेस, ऑन इनर जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी बाय श्री एम, ऐसे करके जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जिनका स्पिरिचुअल पाथ बहुत स्ट्रांग है, उन लोगों ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है थ्रू सम प्रोग्राम्स. तो यहाँ इससे जो दो बातें समझ आई इस स्लाइड से, एक तो ये कि ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हर इंडिविजुअल के लिए, हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसका जो लॉजिक है वो ये है कि आप अपनी वे ऑफ लिविंग इम्प्रूव करें और आप अपने सराउंडेड जो भी लोग हैं उनके साथ आपका बेटर इंटरपर्सनल रिलेशंस डेवलप हो, उस दौरान आप अपनी वैल्यूज और एथिक्स को फॉलो करें, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ये हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है. इसके पैरेलली जो रिसर्च चल रही है वो लाइक वी पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट आर डूइंग नंबर ऑफ स्टडीज इन स्कूल सेटिंग, इन कॉलेज सेटिंग, जहाँ पर वी हैव सम मॉड्यूल, वेल वेल एस्टेब्लिश्ड मॉड्यूल नाउ, इन नेक्स्ट स्लाइड आई विल गिव एग्जाम्पल, एंड वी प्रोवाइड दोज मॉड्यूल्स, इंटरवेंशन प्रोग्राम्स, एंड थ्रू दोज प्रोग्राम्स वी स्टडी देयर बेटर वेलबींग, वेदर इट्स इंक्रीज और नॉट, बेटर इमोशनल इंटेलिजेंस, बेटर मेंटल हेल्थ, एंड दीज आर द वेज ऑफ आपका, क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुआ है ये प्रोग्राम, इतना उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं है, बट जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ पर जो सेंटर है NRCVE, इसमें काफ़ी सारी ऐसे कोर्सेज हैं, मॉड्यूल्स आते हैं ऑन हैप्पीनेस, ऑन योगा एंड मेडिटेशन, इनर जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी, और इनमें से कुछ प्रोग्राम्स को हम लोगों ने
टेस्ट किया है कि क्या इम्प्रूवमेंट आया स्टूडेंट्स की लाइफ में जब उन्होंने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया। थ्रू प्री एंड पोस्ट टेस्टिंग, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, हम साइंटिफिकली कह पा रहे हैं कि इन कोर्सेज के करने से आपको क्या बेनिफिट होगा। इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को जस्ट दिखाने के लिए, हम लोगों ने 2018 में एक रिसर्च की थी, साइको स्पिरिचुअल वेलबींग इंटरवेंशन, जिसमें 14 सेशंस हम लोगों ने रिकॉर्ड करे और उनको पीरियोडिकली ये सेशंस दिए गए ऑन टाइम मैनेजमेंट, ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑन वेलबींग, ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। और हमें पता लगा कि स्टूडेंट्स का जो वेलबींग है वो सब इससे इम्प्रूव हुआ, इस ये ऐसे ऐसे मॉड्यूल्स लेने से। तो ये जो आपका कोर्स है इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आप अपनी लाइफ को समझें, आप अपनी सराउंडिंग को समझें, आप अपने रिलेशंस को समझें और ये सब चीज़ें उसी लाइन में आगे बढ़ती जाएं। उसके दो तीन रीज़न हैं। एक रीज़न ये है कि ये जो एज है आपकी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ये अगर हम मॉरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इस स्टेज पर फ्रीडम वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्राइसिस है। इसका मतलब आपको फ्रीडम तो चाहिए क्योंकि आप अब तक पेरेंट्स को, टीचर्स को, दूसरे सोशल एजेंट्स को बहुत सुनते आए हैं, आपको इंस्ट्रक्ट किया गया है मेनली कि आपको ऐसा व्यवहार करना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। अब आपको फ्रीडम आई है, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, पेरेंट्स से दूर हैं, लेकिन इस फ्रीडम के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आपको कोई नहीं बोलेगा कि आपको 2 घंटे पढ़ाई करनी है अच्छे नंबर लेने के लिए। अगर आप फ्रीडम को मिसयूज करेंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे तो इस लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। इसलिए इस स्टेज पर जहां आपने पेरेंट्स टीचर्स ने थोड़ा सा आपको आगे भेजा है, अब आपको कंपैरेटिवली कम फोर्स है, लेकिन आपको अपनी लाइफ का अब चार्ज भी लेना है। दूसरा जो पॉइंट मुझे नजर आता है एज अ साइकोलॉजिस्ट वो ये है कि, और ये भी साइंस बेस्ड है, हमने कई स्टडीज करी, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन पर हैं हमारी स्टडीज, कॉलेज स्टूडेंट्स पर हैं, और ये पाया कि जो हैप्पीनेस है वो जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे रिड्यूस होती जा रही है, मेंटल हेल्थ इश्यूज इंक्रीज होते जा रहे हैं। उसका रीजन मुझे जो समझ आता है वो ये है कि जैसे जैसे आपकी जो लाइफ बढ़ी, जैसे जैसे आप बड़े हुए वैसे वैसे आपको ज्यादा स्ट्रेसर्स मिल रहे हैं, ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं लाइफ में जिनको आपको रिजॉल्व करना है। अगर आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जिसके थ्रू यू आर लर्निंग टू रिजॉल्व यू नो इश्यूज ऑफ योर लाइफ, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, अगर उनको आप डील करना नहीं सीखते हैं तो धीरे धीरे आपका जो वेलबींग लेवल है या मेंटल हेल्थ लेवल है वो डिटेरियोरेट होने लगता है। इसलिए भी इस एज पर इंटरवीन करना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत बार मेरे ख्याल से अगर आप न्यूज़पेपर भी उठाकर देखते हैं तो आपको दिखता है कि बहुत कई बार जैसे इवन आईआईटी स्टूडेंट्स, इवन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स, इवन जो बहुत बढ़िया देखने को बहुत बढ़िया जॉब कर रहे हैं, जो लाखों रुपए में कमा रहे हैं, जिनको अगर एक्सटर्नल पर्सन देखे तो उसे समझ आता है कि कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से इस जने को कोई इश्यू आना चाहिए लाइफ में, लेकिन इश्यूज हैं और इवन सुइसाइडल लेवल तक भी वो लोग पहुंच जाते हैं। उसका कारण क्या है कि उनको एक्सटर्नल वर्ल्ड तो बहुत अच्छे से संभालना आता था, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनको अपना इनर वर्ल्ड उतना संभालना नहीं आता था। उसके लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम तैयार नहीं कर पाया और उसके कारण ये चीजें हुई। आगे कुछ एग्जाम्पल्स देके मैं और भी चीजें, ये और भी एग्जाम्पल्स दूंगी जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये सब्जेक्ट,
और इस सब्जेक्ट का डेफिनेटली हमारी रोट लर्निंग से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आपको एक्सपीरियंशियल जर्नी चाहिए, यहाँ आपको समझना है कि मैं कैसे अपनी लाइफ को और अच्छा बना पाऊँ, और यही इस कोर्स का मकसद रहा है। और यहाँ पर इसीलिए बहुत सारे कोर्स होने चाहिए, बहुत सारी केस स्टडीज होनी चाहिए। यहाँ पर जो आपका जो टीचर है उसका बहुत कम और तुम लोगों का बहुत ज़्यादा, मतलब स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इसके लिए। जब ये शुरू हुआ कोर्स, उस टाइम डेफिनेटली बहुत सारे न्यूज़ आए, बहुत सारे जो जो डायरेक्टर्स थे, वाइस चांसलर्स थे, उन लोगों ने इम्पोर्टेंस दी कि क्यों ऐसा कोर्स होना चाहिए। उन्हीं में से एक एग्जांपल है, आई थिंक ये न्यूज़ होनी चाहिए 2017-18 की, प्रोफेसर राजीव संगल, IIIT हैदराबाद, इन लोगों का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है इस तरह के कोर्सेज मेन स्ट्रीम इंजीनियरिंग एंड यू नो टेक्नोलॉजी में लाने के लिए। तो उनका एक ये आर्टिकल है एंड ही सेड यू नो दीज थ्री मेन इम्पोर्टेंट जो बिंदु हैं वो बच्चों को सीखने चाहिए, कृतज्ञता, विश्वास एंड सम्मान। अगर हम, मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो कृतज्ञता या ग्रेटिट्यूड, अगर हम इस टर्म की बात करते हैं तो आप समझिए कि ये पॉजिटिव साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है इस कॉन्स्ट्रक्ट को, दैट्स ग्रेटिट्यूड, मीन्स गिविंग थैंक्स टू अदर्स, थैंकिंग, और एक तरह से कहिए कि कृतज्ञ होना जो मिला है हमें लाइफ में, या जिन्होंने हमारे लिए अच्छा किया है उनके लिए कृतज्ञ होना लाइफ में, वो बहुत ज़रूरी है। और ये इंडियन ही नहीं, इवन इंटरनेशनल स्टडीज़ में इसे मास्टर वर्च्यू माना गया है। और हम इवन इंटरवेंशन प्रोग्राम्स में भी हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि बताइए आप कि किन को आपको थैंक्स देना था और आप नहीं दे पाए, या आपके जो पेरेंट्स आपके लिए कर रहे हैं उनके लिए आपको कैसे कृतज्ञ होना चाहिए, कैसे आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए थ्रू एक्टिविटीज़ और अपने शब्दों में। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो अदरवाइज पार्ट नहीं हैं कोर्सेज का और एप्लीकेशंस नहीं हैं, इसलिए ऐसे कोर्सेज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये एक्चुअली मॉडल जो है वो पॉजिटिव साइकोलॉजी से है, कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स ऑफ ए फ्लोरिशिंग लाइफ, कौन से कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स होने चाहिए या कौन सी हमें क्षमताएँ होनी चाहिए जिससे कि हम बहुत बढ़िया, हमारी वेलबींग रहे, एक फ्लोरिशिंग लाइफ रहे, एक कुशल कहिए और खुशहाल लाइफ रहे। और ये बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनमें इवन हो सकता है अगली कहीं कुछ क्लासेस में मैं आपसे बात करूं। एक बुक है एवरेज टू ए प्लस, इस बुक में एक्चुअली जो मॉडल है वो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर स्ट्रेंथ्स, तुम्हारी ताकत क्या है, उस ताकत के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को सेलेक्ट करो और अपनी लाइफ जर्नी इनिशिएट करो, क्योंकि वो गुण आपके पास ऑलरेडी वहाँ पर हैं, उनको सिर्फ आपको यूज़ करना सीखना है। तो ऐसे जो, और इसीलिए वैल्यूज़, एथिक्स, पॉजिटिव साइकोलॉजिकल स्टडीज़, इन सब में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। और जब ऐसी स्टडीज़ की या ऐसे प्रोग्राम्स की इफ़ेक्टिवनेस की बात होती है, स्टडीज़ की बात होती है, रिसर्च की बात होती है, उस टाइम पर भी पॉजिटिव साइकोलॉजी और इन दो एरियाज में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। जैसे अभी भी हमारी एक स्प्रिंगर को बुक सबमिटेड है, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इन इंडिया, अ पॉजिटिव साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो सब रिलीजन में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं और हमें एक गाइड करती हैं। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि कुछ उसके साथ साथ अंधविश्वास भी हैं। तो जब आप वैल्यूज एंड एथिक्स जैसा कोर्स पढ़ते हैं तो आप ये समझने लगते हैं कि कहाँ ये चाहिए, कहाँ पर ये अंधविश्वास है। वही सारे डिस्क्रिमिनेशंस, वही सारे डिफरेंसेस इस कोर्स के थ्रू व्हेन यू यू नो इनिशिएट योर इनर जर्नी, जब तुम अपने से एक अच्छा स्टाइल शुरू करते हो तब ये सारी चीज़ें उसका पार्ट रहती हैं।
अब थोड़ा सा, क्योंकि जब हम कह रहे हैं एथिक्स एंड वैल्यूज, तो हमें पता तो होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है, क्या है ये टर्म्स। जैसे इथोस टर्म से स्टार्ट हुआ है एथिक्स, तो वहां पे मींस कस्टम, हैबिट, कैरेक्टर और डिस्पोजिशन, और दीज आर मॉरल प्रिंसिपल्स गवर्न अ पर्सन बिहेवियर और द कंडक्टिविटी ऑफ एन कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी ड्यूरिंग एन एक्टिविटी। व्हाट वी आर सपोज टू डू, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर वी शुड डू, क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लाइक प्रोफेशनल एथिक्स, ड्यूरिंग प्रोफेशन आपसे क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियर है ना। जब हम रिसर्च करते हैं, स्पेशली बाय टेकिंग यू नो ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स और एनिमल्स, तो हम लोगों को ये समझ होना चाहिए कि व्हाट आर एथिकल गाइडलाइंस, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते हैं। तो वो गाइडलाइंस हम सब फॉलो करें, ताकि किसी के साथ भी, एक तरह से कहिए आपकी इंटरपर्सनल इश्यूज ना हो, कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए, और आपका एक एक्सपेक्टेड एंड रिस्पेक्टेड बिहेवियर रहे। सो दे अफेक्ट हाउ पीपल मेक डिसीजंस एंड लीड देयर लाइव्स, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। एथिक्स इज कंसर्न विद व्हाट इज गुड फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, उसके अकॉर्डिंग ये रहता है, एंड मॉरल फिलोसफी बेस्ड थिंग्स हैं। सो जब हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, इट सॉल्व रिजॉल्व्स नंबर ऑफ डिलेमास, लाइक वी नो थ्रू इट हाउ डू लीव अ गुड लाइफ। लेकिन मैं वापस से यही बात कह रही हूँ कि सिर्फ बोलना काफी नहीं है, वहाँ आपको एक एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए इन क्लासरूम सेटिंग, इन विच यू आर थिंकिंग टू व्हाट इज अ गुड लाइफ, व्हाट डू यू मीन, व्हाट आई मीन बाय दिस गुड लाइफ। वहाँ आपस में ग्रुप डिस्कशंस हो, वहाँ स्टूडेंट्स जाने कि क्यों कोई एक गुड लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स काउंट कर रहा है, उससे उनका क्या फायदा है और सोसाइटी का क्या फायदा है। अवर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लैंग्वेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग, क्या हमें बोलना चाहिए, क्या हमें नहीं बोलना चाहिए, मॉरल डिसीजंस कि जहाँ पर भी डिलेमा है वहाँ पर डिसीजन क्या होने चाहिए। ये आप जान रहे हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ पर डिबेट रहती है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हों, चाहे प्रोफेशनल कंडक्ट हो। आप देखेंगे कि बहुत सारे, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या जो करंट हैपनिंग्स हैं उनमें अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिन पे दिन बदलती जा रही हैं, बहुत सारे डिसीजंस आ रहे हैं, बहुत सारी इवन गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती हैं, वो सारा डिबेट्स चलती रहती हैं, और उन डिबेट्स से जो बेस्ट सॉल्यूशंस निकलते हैं उन पर वो बेस्ड रहती हैं। हालांकि जब हम एथिक्स की बात करते हैं, एक बहुत सारी हमें गाइडलाइंस रिलीजन से आती हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस हमें फिलोसफी एंड कल्चर से आती हैं, और उन सब को कंसीडर करके हम बेस्ट बिहेव की तरफ डायरेक्ट होते हैं, बेस्ट बिहेवियर करना चाहते हैं जो एक तरह से अंडर एथिक्स है। ये दो स्लाइड्स, मैंने दो तीन स्लाइड्स एनसीईआरटी की बुक्स जो ऑनलाइन अवेलेबल थी वहाँ से ली है, ताकि आप एटलीस्ट जाने तो सही कि एथिक्स और वैल्यूज क्या हैं और इनमें क्या डिफरेंस है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एटलीस्ट ओवरऑल व्यू ऑफ इट, दैट्स फर्स्ट रीजन। सेकेंड, क्योंकि आपका पेपर कोई सेट करेगा, इनको चेक कोई और करेगा, तो क्योंकि आपकी सर ने भी अभी बताया है कि बहुत सारे बच्चे पासिंग मार्क्स नहीं ले पाए, जबकि यहाँ जो पास होना है वो सबसे आसान होना चाहिए। मैंने जब मैं इसे टीच करती रही, तो मैंने रियलाइज किया कि ये स्टूडेंट्स आपसे सबसे ज्यादा क्लोज रहते हैं, क्योंकि इनके साथ हम अनकंडीशनल एनवायरनमेंट में मिल रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे मैं अपना जो मेरा पॉजिटिव साइकोलॉजी कोर्स है वो मैं पढ़ा रही हूँ, उस दौरान क्या है कि नंबर ऑफ इवेल्युएशंस, उनके रिजल्ट्स क्या रहे, और हर बार हर स्टूडेंट को ये लगता है ओ मैं तो सेकंड नंबर पर हूँ, या मैं तो एवरेज लेवल पे हूँ, या मैं बिलो एवरेज लेवल पे हूँ। तो वहाँ पे टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप अलग तरह का होता है।
वहाँ पर क्या है कि एक 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 अनकंडीशनल एनवायरनमेंट नहीं है, आपको अच्छे नंबर लाने हैं। जबकि इस कोर्स में क्या है, क्योंकि आपको पास फेल में ही रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पास होना बहुत आसान होना चाहिए। यहाँ आपकी लाइफ की फिलोसफी है, यहाँ आपकी एक तरह से अंडरस्टैंडिंग है जो स्लोली एंड स्लोली सब में बिना ऐसे कोर्सेज पढ़े भी डेवलप हो रही है। हालांकि उसको फास्ट करना, उसको राइट ट्रैक पे रखना इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है। तो जब हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, तो सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न अ पर्सन बिहेवियर इज नोन एज एथिक्स। एथिक्स आर सेट बाय अ पर्सन, सोशल कल्चरल ग्रुप्स, सो ऑफ कोर्स बाय डिस्कशंस, सोसाइटी, प्रोफेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर, ये वो ग्रुप्स हैं जो आपको बोलते हैं कि अंडर दिस सिचुएशन यू आर सपोज टू डू बिहेव लाइक दिस। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। इफ वी आर जस्ट गोइंग विद लिटरल मीनिंग ऑफ, और क्या मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, क्या रिटन डॉक्यूमेंटेड एथिक्स हैं, उसके लिए इन ब्रांचेस का की मदद ली जा रही है, ली जाती रही है। इट इज़ ए नेसेसरी कोड ऑफ बिहेवियर। सो कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ बिहेवियर, आपको किस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है, व्हाट यू आर सपोज टू डू। लाइक मेडिकल एथिक्स, आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, उससे पहले उनको ये लेना होगा, साइन लेने होंगे, उनको ब्रीफ करना होगा कि क्या ऑपरेशन है, क्यों है, और किस तरह से ये ऑपरेशन होगा, या जो भी कभी-कभी प्रॉब्लम आने का डर है, वो सब भी दे आर सपोज टू डिस्कस विद द नियर एंड डियर वन, और वो उनके बाकायदा साइन लेते हैं। अगर आप एक अनएजुकेटेड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, तो उस टाइम आपको वर्नाकुलर लैंग्वेज में वो सब समझाना है, और वहाँ पर दो गवाह भी होने चाहिए जो जान रहे हैं कि आपने इस मेडिकल हिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक ऐसे ही जब हम रिसर्च कर रहे हैं, इवन जो पेपर पेंसिल रिसर्च है, उसमें भी कुछ गाइडलाइंस हैं कि आपको जब ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बीइंग्स के साथ ये कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स के साथ अपने यहाँ रिसर्च कर रहे हैं, तो किस टाइम पर आपको किस तरह से प्रिकॉशंस लेनी है। हम कहते हैं कि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल रहेगा, वो रहना भी चाहिए। जिस पर्पज़ के लिए हमने रिसर्च इनिशिएट करी है, वो वही पर्पज़ होना चाहिए। हमें उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा टीवी पर कभी कभी क्या होता है कि फेस बिल्कुल क्लियर नहीं है, कुछ फेडेड सा है, वो उस जने की कंसेंट है कि आप मेरा फेस नहीं दिखाओगे। आपका फेस कोई दिखा नहीं सकता अगर एज पर यू नो रूल रेगुलेशंस, अगर आपने उसे परमिट नहीं किया है तो। तो वो सारे कुछ रिटन अनरिटन एथिकल गाइडलाइंस हैं जो हर हाल में फॉलो होनी चाहिए। वो आपका एक तरह से गिवन सिचुएशन में किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। दूसरा जो है वैल्यूज, लाइक स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, एंड दे डिटरमिन व्हाट इज एसेंशियल इन अ पर्सनस लाइफ। आपकी क्या लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, जजमेंट है, जजमेंट्स और पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्सन आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट कंप्राइज वैल्यूज। और ये बहुत हर बंदे की अलग वैल्यूज होती हैं। लाइक ये क्योंकि आपकी वैल्यूज, पर्सन टू पर्सन वैल्यूज डिफर, और ये वैल्यूज हेल्प टू डेवलप पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड एक्सेट्रा। एंड डेफिनेटली आपका जो सोशल एनवायरनमेंट है, कल्चर है, सोसाइटी है, रिलीजन है, टू सम एक्सटेंट गिव शेप टू आवर वैल्यूज। लाइक कल्चर वाइज यू कुड सी डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज, सोसाइटी वाइज यू कुड सी डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज, बट सम ऑफ दीज आर कॉमन एंड अदर्स मे बी लाइक फ्लेक्सी, कल्चर टू कल्चर डिफर कर रही है बहुत, और पर्सन टू पर्सन भी। जैसे अगर मैं बेसिक नीड्स की बात करूँ, तो बेसिक नीड्स पर हुआ एक सिंपल सा पॉइंट है कि हमें जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन कोई भी रोटी अगर हम इस तरह से कहें तो बहुत सस्ता है ये सब, लेकिन आप देखिए जनरली हम सब कितनी मेहनत करते हैं, हम वहीं पर स्टॉप नहीं होते। जब हमारी रोटी, कपड़ा और मकान अवेलेबल है, तब भी हम प्रोग्रेसिव रहते हैं,
वो क्या है और क्यों। हाँ, और ये पर्सन टू पर्सन भी डिफर करता है। तो हम साइकोलॉजी में इसे इस टर्म को यूज करते हैं, और ऑर्गेनिज्मिक वैल्यूइंग। हर इंसान अपनी वैल्यूज अलग-अलग रखता है, उस उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग वो आगे अपनी लाइफ में बढ़ता रहता है और आगे जाता रहता है। इसलिए वैल्यूज हर स्टेज पे अलग रहती हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट में विद नीड्स वापस से बोल रही हूँ। तो मेरे ख्याल से ये डिफरेंस है अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म की मीनिंग क्या है इन दोनों का और कैसे ये दोनों अलग अलग हैं। सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडेंस दैट हेल्प टू फॉर्म द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन एंड इट्स लाइक जजमेंट लाइकिंग और डिसलाइकिंग वैल्यूज। दीज आर वेरी पर्सनल। ऑन द अदर हैंड दीज आर मोस्टली प्रोफेशनल। एज आई मेंशन लाइक प्रोफेशनल एथिक्स, एथिक्स व्हेन यू आर डूइंग यू नो रिसर्च बाय यूजिंग ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, मेडिकल एथिक्स। सो यू लर्न एथिक्स टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर सेटिंग। ऑन द अदर हैंड वैल्यूज वेरी पर्सनल थिंग। सो कंसिस्टेंसी डज नॉट वेरी इन मोस्ट केसेस। एक तरह से रिटन डॉक्यूमेंट है, आप जान रहे हैं कि इस सिचुएशन में आई एम सपोज टू बिहेव लाइक दिस ओनली एंड वी आर वर्किंग अकॉर्डिंगली। ऑन द अदर हैंड वैल्यूज पर्सन टू पर्सन वेरी, बहुत आसानी से वेरी करती हैं। ये इन मोर यू नो प्रोफेशनल सेटअप लाइक इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशन एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड वैल्यूज लाइक रिलीजन बेस्ड वैल्यूज, कल्चर बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड, फैमिली बेस्ड, सोसाइटी बेस्ड एक्सेट्रा। एंड देन देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज एंड लाइक नीड फॉर फॉलोइंग, लाइक वी आर सपोज टू डू यू नो बिहेव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और उससे हम जो नेगेटिव बिहेवियर या डिरेल होना व्हेन वी आर डीलिंग विद अदर्स उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। और जो हमारी वैल्यूज हैं वो मोटिवेट्स अ पर्सन इन द नेसेसरी एरियाज, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि जो ये कोर्स है इसमें बहुत सारे केस स्टडीज होने चाहिए, इसमें बहुत सारे कोट्स होने चाहिए जिनके थ्रू आप अपनी इनर जर्नी को बेटर बना पाए, जिनके थ्रू आप अपने इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल बिहेवियर को इम्प्रूव कर पाए। इसका कभी भी इस कोर्स का कहीं पर भी ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहा कि यू लर्न एंड रिकॉल। इसका है कि आप अपनी इनर जर्नी को कैसे और बढ़िया बना सकते हैं, कैसे आप इस लाइन में और अच्छे जा सकते हैं, कैसे आप अपना पर्सनल वे ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी लाइफ की अपनी फिलोसफी क्या होगी उसको आपको सीखना है। और क्योंकि आप अब तक किसी के भी सपोर्ट से रहते आए हैं, आई एम सेइंग इट टू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, किसी के भी सपोर्ट में रहे हैं चाहे वो टीचर्स हों, पेरेंट्स हों और अदर सोशल एजेंट्स, एंड नाउ यू आर टेकिंग चार्ज इंडिपेंडेंटली ऑफ योर लाइफ। दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न वैल्यूज, एथिक्स एंड ऑल रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। जैसे यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स हैं और इन स्टेटमेंट्स को, ये एक्चुअली जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैंने पहले भी बोला, इनमें से कुछ जीएस पेपर से हैं और वहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स मेंशन्ड ओवर देयर। अगर आप लास्ट ईयर्स के पेपर्स देखेंगे तो वहाँ एक सेक्शन रहता है कि क्या कोट्स हैं और इनका क्या मीनिंग है। जैसे अगर हम फर्स्ट कोट लेते हैं, इन लुकिंग फॉर पीपल टू हायर यू लुक फॉर थ्री क्वालिटीज, इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा, इंटेलिजेंस एंड एनर्जी, एंड इफ दे डू नॉट हैव द फर्स्ट द अदर टू किल विल किल यू, वॉरेन बफेट स्टेटमेंट्स इट इज। अब आप यहाँ आपको ये समझ आनी चाहिए कि सत्यनिष्ठा या इंटीग्रिटी हमारे लिए इतनी इतनी जरूरी क्यों है। हमारे लिए तो इंटेलिजेंस एंड एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कुछ भी काम कर सकते हैं, पर उस कुछ भी में कुछ ऐसा वर्क हो सकता है कुड किल यू और कुड किल योर सोसाइटी, आपको नुकसान पहुंचाए और आपकी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाए। जितने आप इंटेलिजेंट हैं उतने आप एक शार्प नाइफ हैं। अगर आपके पास अकॉर्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तो उस शार्प नाइफ से
को यूज करने की बजाय आप मिस यूज कर सकते हैं, वही यहाँ पर मीनिंग है। अगर आप में इंटीग्रिटी नहीं है तो इंटेलिजेंस एनर्जी आर चैनलाइज्ड इन रॉन्ग डायरेक्शन, देन इट्स वेरी वेरी हार्मफुल फॉर मे बी इवन फॉर द सोसाइटी, फॉर कंट्री एक्सेट्रा। जैसे आप समझिए कि टेररिस्ट हैं, वो भी बहुत इंटेलिजेंट एंड एनर्जाइज्ड हैं, उनके पास बहुत स्मार्ट प्लान्स हैं जिसको कई बार कोई भी नहीं पकड़ पाता, तो उनके पास ये सब है बट लैक ऑफ इंटीग्रिटी। तो ये समझ बनना इस कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों इंटीग्रिटी इज रिक्वायर्ड एंड मोर यू नो फार फार बेटर एंड इम्पोर्टेंस वाइज बहुत जरूरी है फॉर इफ यू कंपेयर विद इंटेलिजेंट एनर्जी, है ना। तो ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, आप देखेंगे जहाँ पर बहुत सारे इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, और उन स्टेटमेंट से आप वैल्यूज एंड एथिक्स गाइडलाइंस लर्न करते हैं। जैसे एंगर एंड इंटॉलरेंस आर द एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। यू जस्ट इमेजिन, जब आप गुस्से में हो, जब आप टॉलरेट नहीं कर रहे, तो वो आपको अंडरस्टैंड सही से करने ही नहीं देंगे। इनका मीनिंग क्या है, क्या एग्जाम्पल्स हैं, कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ, ये हमारे लिए यहाँ इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। हमें क्या सोचना है, कैसे सोचना है, किस तरह से जाना है, ये एजुकेशन का पार्ट होना भी चाहिए। एंड नाउ स्कॉलर्स रियलाइजिंग दिस फैक्ट। ऐसे ही अगर हम टीचर की भी बात करें तो हमारी वो लाइन है जहाँ शायद हमें कॉन्टिन्यूटी चाहिए पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। अ लैम्प कैन नेवर लाइट अनदर लैम्प अनलेस इट कंटिन्यूज टू बर्न इट्स ऑन फ्लेम। सो लाइक दैट देर आर नंबर ऑफ कोट्स, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो आपको लाइफ की फुल फुल टू फिलोसफी देते हैं। उनके लिए समझ बनाना, उनके लिए जानना, वो सारी चीजें हैं इसका पार्ट। लास्ट टाइम मैं जब रिसर्च कर रही थी और मैंने कुछ ओपन एंडेड आंसर्स स्टूडेंट्स को देने थे, और इन आंसर्स में एक स्टूडेंट ने लिखा कहीं पर, मुसीबत सब में, बाद में मुझे पता लगा ये स्टेटमेंट अवेलेबल है नेट पे भी, मुश्किल सब में आती है, कोई निखर गया कोई बिखर गया। और मुझे एकदम से ध्यान आया, ओ यही तो रिजिलियंस है जो मैं क्लास में इतने लंबे टाइम तक पढ़ाती हूँ। तो कई बार क्या होता है कि एक लाइन ही आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग को हिट कर रही है, इसलिए ये सब समझना जानना इसका पार्ट होना चाहिए। और जब ये स्टेटमेंट्स आती हैं वन लाइन, ये बहुत सारी, जैसे आप किसी भी गुरु को देखिए, सदगुरु, दलाई लामा, बुद्धिज्म, अपने हिंदुइज्म में कितने सारे श्लोक हैं जो एक ही लाइन आपको बहुत हिट कर रही है। मॉरल थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, और ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स पार्ट होना चाहिए ऐसे कोर्स का। और मेरे ख्याल से अगर वन टू वन क्लास कर रहे हैं तो बस आप जाके दो से तीन कोर्स छोड़ दीजिए एंड आस्क स्टूडेंट्स टू डिस्कस ऑन इट। वो उनको समझाएंगे, क्योंकि जो आप उन्हें स्टिमुलाई दे रहे हैं क्लास में क्वेश्चन के रूप में, वो उन्हें रिस्पॉन्ड करने के लिए हेल्प करेगा। वो उसी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा सोचेंगे और उनकी वो सोचने का जो स्टाइल है वो डेवलप होगा, जो इस कोर्स की रिक्वायरमेंट है। केस स्टडी जो इस कोर्स का पार्ट भी है, मुझे अच्छा लगा ये जान के। यहाँ जो ये कोर्स है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि आप अपने अंदर एक काउंसलर डेवलप करें। आप जब भी मुश्किल में आए, जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स में आए, तो आपके पास एक गाइडिंग सेल्फ है और ये रहती है, मैंने देखा है ये रहती है। कई बार मैंने रूरल वीमेन पे भी काफी काम किया है, मेरे कम से कम 7-8 रिसर्च पेपर्स हैं सिंगिंग पर, भजनों पर। एक हमारा बहुत अच्छा बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश वर्क है, ये जो लेडीज जाती हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, लाइक सत्संग में, या हरियाणा अगर आप देखते हैं तो
ब्रह्म कुमारीज ग्रुप्स और ये इन सब पर जब ये जाती हैं तो इनकी अपनी इनर जो थिंकिंग स्टाइल है वो भी उसी तरह का होता है। तो ये सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये इंटरनल जो जनरेशन है, जनरेशन ऑफ योर थॉट्स वो भी है। इसलिए ऐसे ऐसे कोर्सेज में आपको जो आपका स्टाइल होना है बात करने का या समझने का, वो कोवर्ट सेल्फ इंस्ट्रक्शंस कि आप अपने अंदर किस तरह के आइडिया जनरेट कर रहे हैं, आपका इनर स्पीच कैसा है, क्या ये गाइडिंग सेल्फ है या आपको आपके सोचने के तरीकों को डिस्टॉर्ट कर रहा है। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, सम ऑफ अस आर ऑप्टिमिस्ट, अदर्स आर पेसिमिस्ट। जो डिप्रेशन है उसका बहुत क्लियर कनेक्शन है कि आपके थॉट्स किसी ढंग से भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे। आपकी लाइफ में वन और टू नेगेटिव हैपनिंग्स हैं जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को ढक लेती हैं। अदरवाइज आप देखिए कई बार मेडिकल साइंस में, इंजीनियरिंग साइंस में, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जो स्टूडेंट्स हैं और जो वर्क कर रहे हैं बहुत अच्छी अच्छे अच्छी अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में, उनकी बहुत सारे अचीवमेंट्स रहे होंगे, उन्हें डिप्रेशन किस बात का? उस पर्टिकुलर टाइम में वो डिप्रेशन इसलिए है कि उनकी जो एक या दो फेलियर्स हैं या अचीव नहीं किया, वो वही पूरा एक्सपेंड हो जाता है, एंड दैट दिस पेसिमिज्म लीड टू डिप्रेशन या एंग्जाइटी या स्ट्रेस। तो वहाँ सब आपकी थिंकिंग प्रोसेस है, वो थिंकिंग प्रोसेस यहाँ इम्प्रूव होना। स्वाध्याय जो अपने इवन हिंदुइज्म में बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है इसको, वो सब डेवलप करना क्लासरूम सेटिंग में जहाँ आप बच्चों को बस वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं। दूसरा जो है सेकंड पर्सन अप्रोच, जहाँ पे बहुत सारे हम लोग, जैसे पहले भी मैंने एक स्टोरी टाइप मैसेज था वो लिया, आगे नेक्स्ट में फिर मैं ले रही हूँ। तो वहाँ क्या है कि अगर हम अपना रिलीजियस लिटरेचर भी देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको गुरुज ने रिस्पॉन्ड किया है। ठीक ऐसे ही इंटरेक्शन में हम कुछ सीख पा रहे हैं क्या? और थर्ड जो हम दूसरों के लिए बात करते हैं वो शायद यहाँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो लास्ट पॉइंट आता है, गोल्स एंड मिशन ऑफ लाइफ, यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है जो ये इंडिकेट करता है कि हर किसी की अपनी पर्सनल जर्नी है, उसके अपने पर्सनल गोल्स हैं, उसके अपने पर्सनल मिशन ऑफ लाइफ हैं, वो एक तरह से कॉमन होना मुश्किल है। ये हो सकते हैं अगर आप जैसे कहें कि आपकी जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है इसके क्या गोल और मिशंस हैं, तो आप बहुत क्लियरली बता पाएंगे, एंड काउंटिंग पे भी जा सकते हैं कि ये हमारा इस साल का गोल है, ये है, ये हमारे नेक्स्ट ईयर गोल्स हैं, एंड फाइनल मिशन ऑफ यू नो दिस इंस्टीट्यूट इज इन दिस डायरेक्शन। पर जब आप पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तब वो थोड़ा सा हट जाता है, वो थोड़ा सा, हर किसी की पर्सनल लाइफ है, हर किसी के पर्सनल एजेंडाज हैं, हर किसी का पर्सनल रियल वर्ल्ड है। आप देखिए प्राइमल वर्ल्ड बिलीव्स एक कंसेप्ट है हमारे साइकोलॉजी में, इसका मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड तो एक ही है, ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आप इसे किस नजरिए से देखते हैं, आप किस दृष्टिकोण से आप इसे देख रहे हैं, ये आपका दृष्टिकोण है, और यही आपके थॉट्स में, इमोशंस में और बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है। तो जितने लोग उतनी दुनिया, एक तरह से हम कह सकते हैं हर किसी का अपना नजरिया, उस नजरिया पर चलने का अपना तरीका, और वो नजरिया आपके लिए आपकी रियलिटी है, तो वो बहुत सब्जेक्टिव है। ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपने कहा कि ये गोल, ये मिशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, नहीं। जैसे एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गए और उन्होंने अपने गुरु जी को बोला कि मुझे जो भगवत गीता है
वो कंठस्थ याद है, मुझे हर चीज याद है, भगवत गीता में जो भी लिखा हुआ है। और गुरुजी ने बोला कि व्हाट इज योर गीता, वो श्री कृष्ण भगवान की और अर्जुन की गीता है, तुम्हारी गीता क्या है, मीन्स तुमने अपनी लाइफ को कैसे इंटरनलाइज किया। वो पढ़ना तक ठीक है, वो इस कोर्स को पढ़कर ये जानना कि मेरी वैल्यूज, मेरे एथिक्स, मेरा स्पिरिचुअल क्वोशेंट, मेरा आसक्ति अनासक्ति, अटैचमेंट डिटैचमेंट, ये सब मुझे कहाँ ले जा रहा है, ये इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है। सो व्हाट इज योर गीता आफ्टर नोइंग भगवत गीता। इसलिए हर बच्चे को ये समझ आना कि मेरी गुड लाइफ की डेफिनेशन क्या है, मेरी हैप्पी लाइफ की डेफिनेशन क्या है, मेरी सेटिस्फाइड लाइफ की डेफिनेशन क्या है, मेरे लिए एक आइडियल लाइफ क्या है, वो सब इस कोर्स का सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। और जब गोल्स बनाते हैं, डेफिनेटली गोल्स मतलब स्टेप बाय स्टेप एंड मिशन ब्रॉडर गोल, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गोल्स, तो वहां पर गोल स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड रहता है, तो आप उस गोल को डिफाइन कर पाते हैं और उसको आप अचीव कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ स्टूडेंट मे बी अचीविंग पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, वो एक गोल है, वो कैसे उसकी हायर स्टडी में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, वो उसका पार्ट हो सकता है। आई थिंक इट्स लास्ट स्लाइड, यस इट्स लास्ट वन। सो फिर हम जब वैल्यूज पर आते हैं वापस से, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ अब इस समय किस स्टेज पर है। जैसे इब्राहिम मैस्लोज थ्योरी जो है वो हायरार्की को दिखाती है कि सबसे पहले आपकी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाने चाहिए, फिर आप सेफ्टी के लिए सोचते हो, फिर बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स को सोचते हैं। जब ये सारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती हैं और साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, देन यू थिंक अबाउट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसीलिए जब रोटी कपड़ा मकान हमें मिल गया, हम रुकते नहीं हैं, हम आगे बढ़ते चलते हैं, क्योंकि वी आर प्रोग्राम टू ग्रो। हमें आगे बढ़ना अच्छा लगता है, कोई पसंद नहीं करेगा कि वो किसी भी स्टेज पर स्टॉप हो जाए एंड फीलिंग यूजलेस लाइफ। तो इसलिए देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जहाँ आप फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज पार्ट ऑफ योर लाइफ, और आपकी लाइफ के मेनली दो गोल हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक नंबर लाना स्टूडेंट्स के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, ये सब। पर इंट्रिंसिक गोल्स जैसे ग्रोथ माइंडसेट, जैसे और ऑप्टिमिस्ट होना, जैसे और दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करना, फॉरगिवनेस लाना, ग्रेटिट्यूड लाना, कंपैशन लाना, और वो सब बेस जो दूसरों को के साथ बेटर इंटरपर्सनल रिलेशंस बनाने में हमारी मदद करें। यहाँ मैं स्टॉप करती हूँ, मे बी नेक्स्ट क्लास, एंड आई रिक्वेस्ट प्लीज डोंट कीप सच क्लासेस लाइक फॉर्मल लाइक दिस लाइक फर्स्ट क्लास, बट आई थैंक यू ऑल बिकॉज दैट वॉज माई फर्स्ट क्लास एंड यू मेड इट वेरी फॉर्मल, थैंक यू। पर आगे से मैं चाहूँगी कि मैं स्टूडेंट से डायरेक्टली कनेक्ट हों और इतना सब फॉर्मल जो श्योर मैम, एज नहीं का नहीं वो फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्लास है। के मैम ही हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ए लॉट। यस, तो मैं क्या हर कॉलेज से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि ये लेक्चर सुनने के बाद स्टूडेंट्स के जो भी क्वेश्चंस हैं वो एक पेज पर सो लेके और आप मुझे भेज दें। ठीक है मैम, सागर जी, है ना, और अभी भी अगर हम 15 मिनट्स, आई कुड अफोर्ड मोर, अगर किसी का कोई अर्जेंट क्वेश्चन है जी अभी। मैम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ स्टूडेंट पूछना चाह रहे हैं। जी, बिल्कुल। पूछो मैम, आई वांट टू आस्क दैट द यू मेंशनड अबाउट सोशल डिलेमा, दैट वी आर इन डिलेमा समटाइम्स बिकॉज ऑफ द एथिक्स एंड द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट।
So ma'am, what should be an approach as a student when we have to measure it? Because you said that we are confused between freedom and responsibility and things like that. So are we audible, ma'am? Yes, yeah, I got it. Actually, yeah, it depends. What is your dilemma, first of all? There are variety of social dilemmas. Without knowing exact social dilemma, I think giving response is really difficult. But I could talk about two approaches: problem focused approach versus emotion focused approach. In some settings, we need to focus problem focused approach. For example, your dilemma is related to say something future ethnic thing, okay? And you could take active action. You should learn the ways of solving that problem. How can you solve this problem? And in some cases, if you think you are not able to, then you should use emotional intelligence. There is a small story where a father gave a problem to her daughter, sorry, to his to his daughter, and asked to solve that problem. And he said, by considering your all, support system, you should resolve this problem. And she tried a lot, but she couldn't do. And she gave up. And then father said, why did you give up? I said, by using your all support systems, I am one of them. Why didn't you ask to solve this problem? I might have solved it for you. So similarly, मैं एक बार वापस से ये बात कहना चाहूंगी कि फादर ने डॉटर को एक प्रॉब्लम दी और उनसे बोला कि इसे सॉल्व करो. तो उन्होंने डॉटर ने बहुत कोशिश करी, couldn't do. और फिर उन्होंने बोला, नहीं, मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकती. तो फादर ने कहा कि मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस में बोला था, बाय कंसीडरिंग ऑल सोशल ऑल सपोर्ट सिस्टम्स, उन सिस्टम्स में मैं भी एक था, तो आपने मुझे सॉल्व करने के लिए क्यों नहीं बोला. तो इसीलिए जब आप किसी भी सोशल प्रॉब्लम की बात कर रही हैं, यू मे टेक हेल्प ऑफ सम सोशल एजेंट्स who could provide some guidance to you. In some cases, you might have social problem where you can't play active role. Then I think manage your emotions, emotion focused approaches. जैसे last year जो तुम्हारा result रहा, अब तुम्हें उस पे guilty feel हो रहा है, मैं क्यों नहीं पढ़ा, मैंने क्यों नहीं अच्छी मेहनत करी, या कहीं आपने extra curricular activities मैं पार्टिसिपेट किया. यू कौन डू यू नो एज पर योर स्किल्स और योर कैपेबिलिटीज, अब तुम उस पर रिग्रेट करते हो. वो पास्ट है, जा चुका, यू कांट चेंज इट. नाउ यू हैव टू मैनेज योर इमोशंस. सो सिचुएशन टू सिचुएशन यू हैव वेरियस वेज ऑफ एंड नीड टू फॉलो एज पर द नेचर ऑफ दिस प्रॉब्लम. थैंक यू. Good afternoon, ma'am. My name is Ocean Chaudhary and I am from SKNU Jamner. I want to ask you a question that hum as a student good life kaise jee sakte hain jabki hamare paas padhne aur hamare career ki itni tension rehti hai. Be action oriented. I think simplest response is be action oriented. कुछ guidelines हैं कि आपको अपना जो exam है, number one, tension भी और stress दो तरह की होती है. एक stress है जो आपको पढ़ने को मजबूर करेगी, you stress, we call it positive stress, जो होनी चाहिए. एक हद तक आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन होनी चाहिए,
तभी तो आप काम करोगे, तभी तो आप पढ़ाई करोगे। वो खराब है जब आपकी डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है ना, तो वो लेवल नहीं आना चाहिए। अगर आप एक्शन ओरिएंटेड रहते हो वो नहीं आएगा। सो व्हाट यू कुड डू फॉर एग्जाम्पल फॉर योर स्टडी, जिसकी आपको टेंशन है, उसके लिए एक बार बैठ के समझो कि आपको एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए उस टेंशन से दूर जाने के लिए। अगर आपको लगता है कि 2 घंटे पढ़ना मेरे लिए काफी है, 2 घंटे आप पढ़े उसके बाद अपनी लाइफ को इंजॉय करो, पर वो 2 आवर्स डेडिकेटेड मस्ट बी देयर। हमें क्या होता है कि कई बार हम पैसिवली टेंशन तो लेते रहते हैं, हमें ये भी डर भी लगता रहता है, लेकिन फिर हम इसमें बैठ जाते हैं मोबाइल में, है ना, और मोबाइल सस्पेंड टेम्परेरली आवर टेंशन एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। जितनी देर आप मोबाइल पर हो आपको कुछ भी नहीं हो रहा है ना, बट वो एंटरटेनमेंट किलिंग योर प्रोडक्टिविटी। तो मैं कई बार स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि एंटरटेनमेंट शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, शुड बी पार्ट ऑफ योर एक्टिविटीज, पर अगर तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट करते रहे इट्स किलिंग योर प्रोडक्टिविटी। ये जरूरी है लाइफ के लिए, इवन इन इंटरवेंशन प्रोग्राम्स पर्टिकुलर यू नो एंटरटेनमेंट ऑफ द डे इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज। लेकिन अगर आप एंटरटेन ही करते रहोगे खुद को या वीडियोस देखते रहोगे और ये सब, तो एक लेवल पर व्हेन यू रिव्यू योर लाइफ देन यू रियलाइज कि तुमने प्रोडक्टिव वर्क नहीं किया है, और वो आपको हार्मफुल लगता है, रहता भी है, क्योंकि उसके कारण आपको बहुत सारे इश्यूज आए। तो इसलिए अपने काम को डेली के लिए डेली वर्क की प्लान होना चाहिए। डेली वर्क जिस दिन का जो प्लान किया है वो वर्क उस दिन हो जाना चाहिए। आई थिंक धीरे धीरे जब आप 10 दिन ऐसा कर लोगे आपको वो टेंशन रहेगी ही नहीं, क्योंकि आप कोर्स को साथ साथ कवर करते जा रहे हो। थैंक यू सो मच मैम. कोई एनी क्वेरी फ्रॉम फतेहपुर? दे आर सिटिंग ऑल टुगेदर फ्रॉम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर. ये कॉलेज कौन सा है? हाँ फतेहपुर। ओ यस मैम, गुड। फतेहपुर. तो क्या क्लास साइज ओके. है इनका? आई 60 मैम. थिंक ऑल 60 स्टूडेंट्स आर अवेलेबल। गुड, सॉरी मैम. ओके, सब थैंक बच्चे यू मैम. हैं वहाँ पे जी मैम, क्लासरूम जी में? जी मैम, एक सेकंड मैम. इनफैक्ट सबसे अच्छी अटेंडेंस दिख रही है फतेहपुर की। गुड ग्रेट। या आई हैव अनम्यूटेड फ्रॉम फतेहपुर. यस सर. हेलो, या प्लीज टेल. सर ऑडिबल? सर या ऑडिबल. Thank you, madam, for presenting this wonderful lecture. You know, at this early stage, most of the students are having like such type of problem. They have so many types of distress. So many of these students just asking very simple questions like, madam, how to overcome from the exam stress? You know, they are the students of BSc part first semester, and exam is about to come in the month of January. So how can they handle this type of stress and they can achieve the good marks? These are the particular question from this whole class, ma'am. एक्चुअली जितना मेरा एक्सपीरियंस है, स्ट्रेस उन्हीं स्टूडेंट्स को होती है जो एग्जाम के दिनों में ही अपनी पेपर कॉपी खोलते हैं, है ना। जो स्टूडेंट रेगुलरली स्टडी कर रहे हैं उनको चाव चढ़ता है ना, और उन्हें लगता है कि एक और मौका आया अपने को बेस्ट दिखाने का। और बहुत सीधी सी बात है कि आप सब स्टूडेंट हैं। अगर आप हम लोगों की लाइफ देखते हो तो हम सबको पढ़ाना पड़ता है पूरा साल, उसके लिए तैयारियां भी करते हैं सब टीचर्स, वो उनका पार्ट ऑफ जॉब है। तुम सबका पढ़ना पार्ट ऑफ जॉब है। तो जब आप क्लास से गए हैं आपके पास 2 आवर्स 3 आवर्स
जितना आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है बहुत बढ़िया नंबर लाने के लिए, उतने घंटे आपको रेगुलरली पढ़ना चाहिए। फिर आपको एग्जाम स्ट्रेस नहीं होगा, आपको इनफैक्ट चाव चढ़ेगा कि मुझे एक और मौका मिल रहा है बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाने का। वो स्ट्रेस तभी है जब आपने अपनी तैयारी प्रॉपरली नहीं करी है और उसके कारण अब आप स्ट्रेस्ड हो। और जैसे मैं पहले भी बोल रही हूँ, स्ट्रेस एक लेवल तक बुरा नहीं है, टेंशन एक लेवल तक बुरी नहीं है, एंग्जाइटी एक लेवल तक बुरी नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आपको मदद कर रही हैं मोटिवेट रहने के लिए उस वर्क के लिए, एक्टिव रहने के लिए उस वर्क के लिए। तो इसलिए बी रेगुलर इन योर स्टडी। आपका एक पॉकेट ऐसा होना चाहिए कि इस टाइम को नो डिस्टर्बेंस एट ऑल, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं आएगी एग्जाम को लेकर। थैंक यू सो मच मैम। If you are having more queries, just as ma'am suggested, please write down on a paper and send to me. So thank you so much, ma'am, for sharing your rich experience and vast knowledge on a very important lesson related to human behavior in a very simple and comprehensive expression. I hope that all our students, including ourselves, will be benefited by your splendid lecture, and we are really looking forward to hear you again, ma'am. Thank you. Thank you very much, all of you. Just I now request Dr. Manoj Kumar Sharma to please propose a vote of thanks. Thank you, sir. I feel great pleasure for delivering the vote of thanks from the department. First of all, I would like to highly thankful to our honorable VC sir for grace this event and your blessing to our student. I am thankful for deep of my heart to today's speaker, Dr. Kamlesh ma'am, for such a wonderful presentation for our university student. I am also thankful to Dr. A.K. Gupta sir, Dean and Faculty Chairman, and Dr. Kiran Gaur ma'am, Head of the Department, for the kind support and make necessary arrangement for the successful conduction of this program. I am also highly thankful to all deans who have made necessary arrangement for a student in very short notice. I am highly thankful to Sri Suresh Kumar Sharma sir and his team for broadcasting this program at industry level and wide publicity of this very important and time demanded lecture. I am also thankful to student for their excellent presentation in participation in exciting manner. At last but not least, I am highly thankful to all those person who have supported directly and indirectly for the successful conduction of the this program. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, all of you. Thanks. So thank you one and all for your valuable participation in the online lecture. With these words, I would like to wind up the webinar. Thank you.